मारपीट का मामला हत्या की कोशिश करने में तब्दील। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक अभी भी फरार। अंबाला के गांव बोह की घटना, जोहर के पास बैठे राजवीर सिंह पर किया था 5 आरोपियों ने जानलेवा हमला। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में किया मामला दर्ज और 4 को धर दबोचा। आज पुलिस लेगी 4 का रिमांड। दरअसल राजवीर सिंह निवासी गांव बोह खेतीबाड़ी का कार्य करता था। 31 अगस्त शाम 7 बजे वह घर के साथ लगती जोहर के समीप बैठा हुआ था कि इतने में कमल और आर्यन आकर उसके पास बैठ गए। इसी दौरान कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए और राजवीर सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। थाना महेश नगर के SHO जसवंत सिंह ने बताया कि इस दौरान जसवीर सिंह, साबी, भूपिंदर, पीयूष बख्शी और करनी वड़ेच आदि ने उस पर डंडे, लोहे की रॉड आदि से उस पर हमला कर दिया था। इस मामले में राजवीर को गंभीर चोटें आई थी और इसके बाद उसे कैंट के सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, जहां से उसकी हालत को चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने राजवीर को PGI चंडीगढ़ इलाज के लिए रेफर कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने पहले IPC की अन्य धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी, लेकिन बाद में गंभीर हालत को देखते हुए आरोपियों पर हत्या की कोशिश करने के आरोप में धाराओं में परिवर्तन किया और इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का दावा है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SHO का कहना है कि आज 4 को अदालत में पेश करके इनका 4 दिनों का पुलिस रिमांड लिया जाएगा ताकि हमले में प्रयुक्त हथियार बरामद किया जा सके। मामले में कुछ मुस्लिम गिरफ्तार किया, क्या ये मामला था, क्या गिरफ्तार? ये एक लड़का था राजदीप, इसको 2-3 दिन पहले इसको चोट मार दी थी और राजदीप को ज़्यादा चोट लगती थी और उसके बाद वो मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। पहले तो हमने 148 उनका 323 506 का FIR लॉन्च की थी, लेकिन बाद में जो डॉक्टर से राय लेके धारा 307 जारी कर दी है और इसके अंदर 5 मुलजम थे, 4 हमने आज अरेस्ट कर लिए। कल किए थे, आज उसको कोर्ट न्यायालय में पेश कर दिया। मुलजम है इसमें जसदीप है, एक सरबजीत है, भूपेंद्र है, पीयूष बख्शी है, एक करणी है, करणी फरार है, करणी को उसी गली गिरफ्तार है। सभी गाँव बहुत के सर, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ये बता रहे हैं कि जो विवाद है, कुछ खा पी रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, तो कुछ पहले गाली गलौज हो गई और बाद में गाली गलौज होने के बाद इन लोगों ने कुछ ज़्यादा चोटें मारी।